अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल है आपके पास, फाइंड ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, सेट ए आपको जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है, आपने सेट के जो है वो सबसेट्स फाइंड करने, हेंस और अदरवाइज फाइंड पी ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर पी ऑफ ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए, और ये जिस तरीके से आपको मॉड्यूलस फॉर्म में नजर आ रहा है तो आपने नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ दिस सेट, ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए आपने जो है वो यहाँ पे मजीद आगे जो है वो फाइंड करने। ठीक है, सबसेट्स फाइंड करने के बाद आपने मजीद जो है वो यहाँ पे ये चीज भी फाइंड करनी है। अब देखें, पावर सेट का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है सवाल में, तो थोड़ा सा आप डेफिनेशन को देख लें कि पावर सेट क्या है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, किसी भी सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, जैसे यहां पर आपके पास जो है वो सेट ए दिया जा रहा है, अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे वो आप उसके तमाम सबसेट्स लिख लें और उन सेट का सेट, यानी कि जो भी आपने सबसेट्स बनाए हैं उन तमाम सबसेट का एक मुकम्मल सेट जो है आपके पास पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो चीज आप जो है वो यहाँ पे आपके पास सेट ए जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसके जब आप सबसेट्स फाइंड कर लेंगे तो उन तमाम सबसेट्स का जो सेट होगा, ठीक है, वो आपके पास जो है वो पावर सेट कहलाएगा, जिसे आप पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहां पे ये जो आपके पास मॉड्यूलस का साइन आपको नजर आ रहा है, इट मीन्स कि आपने नंबर ऑफ पावर सेट निकालने, तो किसी भी सेट के कितने ऑल पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो आप यहां पे जो है वो देखेंगे। ठीक है, जो चीज मैंने आपसे कही थी कि ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी पावर सेट के अंदर, जब मैं आपको पावर सेट एक्सप्लेन करूंगी तो ये बताऊंगी कि किसी भी सेट के आप कितने ऑल पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यहां पे देखेंगे। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपने यहां पे जो है वो सेट ए के सबसेट्स फाइंड करने। ठीक है, ये आपने ली दिया, आपने यहां पे जो है वो सबसेट्स फाइंड करने ए के, तो सबसे पहला आपके पास हो जाएगा नल सेट, उसके बाद ये इंडिविजुअल सेट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, ये आपके पास चार एलिमेंट्स थे, चारों का इंडिविजुअल सेट मैंने बना दिया। अब आप टू का पेयर लेकर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ए को बी के साथ मिला दिया, अब आप ए को सी के साथ मिलाएं, इसी तरीके से आप ए को डी के साथ मिला दें। ठीक है, जैसे ही आपने ए को जो है वो अगले तमाम एलिमेंट्स के साथ मिला दिया, उसके बाद जो है वो आप इस तरीके से बी को कंबाइन करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, बी को आपने सी के साथ मिला दिया, बी को आपने डी के साथ मिला दिया, नेक्स्ट है आपके पास सी की बारी, तो आपके पास आ जाएगा सबसेट सी एंड डी। ठीक है, सी डी का एक सबसेट आ गया। अब मजीद आप जो है वो टू का पेयर यहां पे नहीं बना सकते, अब आप जो है वो थ्री को कंबाइन कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी। ठीक है, ए बी के साथ पहले आपने सी को कंबाइन कर लिया, देन आपने ए बी के साथ जो है वो डी को कंबाइन कर लिया, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अब ए सी डी। इस तरीके से इस एलिमेंट ने जो है वो तीन तीन का पेयर भी किस तरीके से ले लिया सेट के अंदर। ठीक है, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, नेक्स्ट आपके पास होगा बी सी डी। तो देखिए यहां पर कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट्स हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और लास्ट में आपके पास जो है
ये पूरा सेट खुद, ठीक है, क्योंकि देखें यहां पे वर्ड यूज हो रहा था सब सेट्स फाइंड करने, तो इस सेट के ये ऑल पॉसिबल सब सेट्स हैं 16, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किसी भी सेट के कितने सब सेट्स फाइंड करने, तो उसे फाइंड करने का एक तरीका है, जैसे कि मजीद आपको सवाल में आगे कहा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ पावर सेट, कितने आपने जो है वो यहां पे बताने कि कितने सेट्स आप बना सकते हैं ऑल पॉसिबल सब सेट। तो मजीद जो है वो आगे आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए अगर आपने किसी भी सेट के जो है वो पावर सेट बताने कि इस सेट के कितने आप सब सेट्स बना सकते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपके पास होगा, या ये आप जनरल फॉर्म कह लें इसकी, 2 × n, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेट के नंबर ऑफ पावर सेट बताने के इस सेट के जो है वो आप कितने सब सेट्स बना सकते हैं, तो उसके लिए आपने ये जनरल फॉर्म यहां पे यूज करनी है 2 × n। n जो है वो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए है, यानी कि किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप सेट ए की, क्योंकि यहां पे सेट ए के हवाले से बात करी जा रही है, तो आप इस सेट के एलिमेंट्स देख लें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो n की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर जितनी हो मींस उसको नंबर को आप उतने टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, एंड 8 × 2 = 16, ठीक है। तो किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आप बना सकते हैं वो आप इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इस सेट के अगर आपसे पावर सेट निकालने के लिए कहा जाए, इस सेट के पावर सेट्स आपसे कहा जाए निकालने के लिए, तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे कैलकुलेट करनी होगी वो ये चीज कि आप इस सेट के कितने ऑल पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये नंबर ऑफ सेट निकाल लेंगे यहां पर, उसके बाद आप जो है वो यहां पे सबसेट्स फाइंड करना मजीद आगे जो उसको किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे कि फिर आप इसके जो है वो सबसेट्स बनाएंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास इन चार एलिमेंट्स के 16 सबसेट्स बनेंगे, और अगर आप देखें यहां पे काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपने काउंटिंग करनी होती है। पहले आपने यहां पे नंबर ऑफ सेट्स फाइंड कर लिए, उसके बाद आपने ये सेट्स फाइंड कर लिए, और अगर यहां पे आपसे कहा जाता है कि आप जो है वो इनके सबसेट्स पावर सेट निकालिए, ठीक है, जैसे आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ नंबर ऑफ जो है वो निकाल लिया आपने कि कितने इसके सेट्स बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स आपने फाइंड कर लिए, मजीद आपसे कहा जाता है इसके पावर सेट भी निकाले, तो आप इसी तरीके से ये सारे सबसेट्स लिखते और उसका मजीद एक सेट बना देते इस तरीके से, ठीक है। यहां पर आपके पास जो है वो ब्रैकेट आ जाता स्टार्टिंग में और एंडिंग में, तो इसी तरीके से जो है वो आप किसी भी सेट के पावर सेट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपसे सवाल में जितना पूछा गया था वो यहीं तक था, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।